कभी सोचा है आपकी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस क्या सच में आपने लिए थे? जो चीजें आप पसंद करते हो, जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, क्या वो सच में आपके हैं? अब आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली यार मेरी सोच तो मेरी ही है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जो आप सोचते हो, जो मानते हो, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम सिंह और आज के इस वीडियो में हम थॉट्स के सोर्स तक जाएंगे और जानेंगे कि ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। क्या सच में हमारे पास हमारे खुद के ही थॉट प्रोसेस और डिसीजंस का कंट्रोल नहीं है? और साथ साथ हम साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का पर्सपेक्टिव भी जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन नहीं है, बल्कि एक प्रेडिक्शन मशीन भी है। हमारा थॉट प्रोसेस पहले से स्टोर्ड मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस का मिक्सचर है। न्यूरो साइंटिस्ट अनिल सेठ के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन सिर्फ सेंसरी इनपुट पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको अचानक से एक टाइगर दिख जाए तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली आपको एक डेंजर सिग्नल भेजेगा, भले ही उसके पहले आपने कभी टाइगर ना देखा हो, क्योंकि आपकी इवोल्यूशनरी मेमोरी में ये डेंजर हार्ड कोडेड है। सेम प्रिंसिपल हमारे डेली थॉट्स पर भी अप्लाई होता है। हमारा ब्रेन नए विचार नहीं बनाता, वो पास्ट मेमोरीज को रीसेव करके हमें ये इल्यूजन देता है कि वो नए थॉट्स हैं। फ्री विल, हमें लगता है कि हमारी जो मर्जी हो हम वो डिसाइड कर सकते हैं। पर 1980s में साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट के नाम पर फेमस लिबेट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब आप कोई डिसीजन कॉन्शियसली ले रहे हो, उससे 0.3 सेकंड पहले ही आपके ब्रेन में वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, वो भी बिना आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के। मतलब आपको लगता है कि आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया, पर आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो डिसीजन ऑलरेडी बन चुका होता है। और आपका ये सोचना कि ये डिसीजन मैंने लिया, वो सिर्फ आफ्टर द फैक्ट जस्टिफिकेशन होता है। और तो और, हमारे 90% थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जेराल्ड जेल्टमैन के अकॉर्डिंग हमारे 95% बाइंग डिसीजंस सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ये इनसाइट उनकी बुक हाउ कस्टमर्स थिंक में दिया गया है, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग का बड़ा हिस्सा कॉन्शियस चॉइस नहीं बल्कि सबकॉन्शियस पैटर्न होता है। इसे एक एग्जांपल से भी समझते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर, टीवी पर हम किसी प्रोडक्ट का एड देखते हैं और अगले दिन स्टोर में जाकर हम वही सेम प्रोडक्ट अनकॉन्शियसली परचेज करके ले आते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस 24/7 बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस होता रहता है। शायद आपने ध्यान दिया हो, कई बार हमारे खुद के ओपिनियंस, सिद्धांत हमारे खुद के नहीं बल्कि सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट होते हैं, कई बार पॉजिटिव वे में भी। जैसे बचपन में आपने कैसे डिसाइड किया कि क्या सही है क्या गलत? आपके पेरेंट्स, स्कूल, इंस्टीट्यूशन ने बताया, राइट? कुछ सिंबल्स, वर्ड्स, रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो किसी एक कल्चर में गुडविल और प्रॉस्पेरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, पर दूसरे कल्चर में इन्हीं को निगेटिवली परसीव किया जाता है। जैसे स्वास्तिक को इंडिया में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, पर जर्मनी में इसी को निगेटिव तरीके से लिया जाता है, क्योंकि ये एडोल्फ हिटलर के फ्लैग से एसोसिएटेड था। सिर्फ कल्चर ही नहीं, हमारे बिलीफ भी इसी प्रोसेस से शेप होते हैं। एक टर्म है कॉग्निटिव बायस, इसका मतलब है आप वही सोचना पसंद करते हो जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। द इल्यूजन ऑफ योर थॉट, हम सबको लगता है मैं सबसे अलग हूँ, मेरी सोच सबसे अलग है। मेटा के फेयर लैब और बास्क सेंटर ऑन कॉग्निशन, ब्रेन एंड लैंग्वेज के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में देखा कि लोगों के थॉट्स ब्रेन स्कैन के थ्रू 80% तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। मतलब जो सोच आपको यूनिक लगती है वो भी एक पैटर्न फॉलो करती है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमें स्मार्ट या इंटेलिजेंट बोलता है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हम उससे अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और हर चीज में उस आइडेंटिटी को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि हम सब रिएक्शंस का कलेक्शन है जो हमारे अंदर टाइम के साथ बिल्ड हुए हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअलिटी की नजरों से देखें तो जेन फिलोसफी का एक कोट कहता है, द रिवर फ्लोज बट डज इट ओन द वाटर। हमें लगता है कि हम एक्टिवली थिंक कर रहे हैं पर थॉट्स अपने आप आते हैं। हम अगर इसे ध्यान से देखें तो हम अगले 5 थॉट्स भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप मेडिटेशन में होते हो तो आप देखते हो कि थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पर आप उनका पार्ट नहीं हो। थॉट्स बस एक पासिंग क्लाउड की तरह लगने लगते हैं। यही अद्वैत वेदांत और जैन में कहा गया है कि आप बस एक प्योर ऑब्जर्वर हो। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका आंसर है, थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप ऑब्जर्वर मोड में शिफ्ट हो जाते हो
तब आप माइंड के स्लेव नहीं रहते। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको इससे कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द बोल्ड ट्रैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सीकिंग कीप ग्रोइंग।